रोज एक कहानी, किस्से अकबर बीरबल के। कंजूस और कवि। बादशाह अकबर के राज्य में एक बहुत ही कंजूस मक्खी चूस आदमी रहता था। एक दिन एक कवि उस कंजूस आदमी के पास गया और उसकी प्रशंसा में लिखी चंद लाइनों की कविता सुनाने लगा। उस कंजूस ने सोचा कि ये कवि मुझे कविता सुनाकर मुझसे रुपए ऐठना चाहता है। कंजूस ने मन ही मन सोचा कि मैं इसे खाली खुश करके विदा कर दूंगा। कंजूस बोला, बहुत अच्छे कविराज, कितनी अच्छी कविता सुनाई है, आप कल मेरे पास फिर आइए, मैं आपको खुश करूंगा। ये कहकर कंजूस ने कवि को विदा किया और कवि इन बातों को सुनकर फूला नहीं समाया। दूसरे दिन कवि कंजूस के पास पहुंचा, उसे देखते ही बोला, कौन हो तुम, कहां से आए हो? कंजूस उससे देखकर ऐसा बन गया जैसे उसे जानता ही ना हो। मैं वही हूँ जो कल आपके लिए कविता लिख कर लाया था, क्या आप मुझे भूल गए? कवि ने कहा, कल की बात कल गई, आज क्या है, कल जिस प्रकार तुमने कविता सुनाकर मुझे खुश किया था, वैसे ही मैंने बात कहकर तुमको खुश कर दिया। न तो तुमने मुझे कुछ दिया, न मैंने तुमको कुछ दिया, कंजूस आदमी बोला। ये सुनने के बाद कवि वहां से चला आया और अपने एक मित्र के साथ बीरबल के पास पहुंचा। सारा किस्सा सुनकर बीरबल ने कहा, कविराज, चार पांच दिन बाद आप अपने इस मित्र को उस कंजूस के पास भेजना, वह किसी काम काज के बहाने उससे अच्छी दोस्ती कर ले और फिर किसी दिन उसको खाने का निमंत्रण दे। जिस दिन वह तुम्हारे यहाँ खाने पर आए उस दिन मुझे भी बुला लेना। इतना याद रखना कि उसे सिर्फ निमंत्रण देना है, खाना नहीं खिलाना। दोनों मित्र सारी बात समझ गए। कुछ ही दिनों में कवि के मित्र ने कंजूस के साथ जान पहचान बढ़ा ली और जब खूब दोस्ती बढ़ गई तब उसको एक दिन भोजन का निमंत्रण दे दिया। कंजूस ने निमंत्रण आसानी से स्वीकार भी कर लिया। उस दिन उसने बीरबल और कवि को भी संदेश भेजा और वे दोनों ही भेष बदल कर आ पहुंचे। कुछ ही देर में कंजूस भी आ गया, वो उन दोनों को नहीं पहचान पाया। फिर सभी बातचीत में लग गए। भोजन की कोई तैयारी नहीं थी, ये लोग तो अपने घरों से भोजन करके आए थे जबकि कंजूस भूखा था। काफी समय तक कंजूस यूं ही चुपचाप बैठा रहा। आखिर में परेशान होकर उसने कहा, भाई खाने पीने का भी प्रबंध है या नहीं, क्या यूं ही बिठाए रखोगे? तब कवि का मित्र बोला, भाई मैंने तुम्हें भोजन करने के लिए थोड़ी बुलाया है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ भोजन का निमंत्रण देकर खुश किया है। ये सुनकर कंजूस बेहद शर्मिंदा हुआ। सच्चाई का पता चलने पर उसने कवि से क्षमा मांगी और शपथ ली कि अब किसी की बेइज्जती नहीं करेगा और ना ही कंजूसी करेगा। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।